दलील दलील और दलील पे दलील। जब मौला नबी पर वही नाजिल होती थी, नहजुल बलागा में मौला अली का ये फरमान मौजूद है, जब मौला नबी पर वही नाजिल होती थी तो मौला अली सुनते थे। गलत फहमी ना हो, हम अली के नबी होने के कायल नहीं है। ये मिंबर कुरान और हदीस के मुताबिक सजता है, ये दिल से और दिमाग से और जेबों से बातें नहीं करता। कोई बात भी कुरान और हदीस से हटकर मिंबर पर नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। मौला अली फरमाते हैं, जब नबी पर वही नाजिल होती थी तो मैं समय तो रन ही ना नजर अलवाही, मैंने वही के नाजिल होते हुए रोने की आवाज सुनी। मैंने वही की नाजिल हो जाने के बाद नबी से सवाल किया, या रसूलल्लाह मा हाज़ रन्ना, ये रोने की आवाज कैसी थी? फरमाया हाज़ शैतान, जब मुझ पे वही नाजिल होती है तो शैतान रोता है, जब मुझ पे वही नाजिल होती है तो शैतान रोता है। दी मैं हाशिए में जाते जाते बच रहा हूं। मा हाज़ रन्ना या रसूलल्लाह, ये रोने की आवाज कैसी है? फरमाया हाज़ शैतान, ये शैतान की रोने की आवाज है। या अली, जब मुझ पे वही नाजिल होती है तो शैतान रोता है। ये कहकर मौला नबी ने फरमाया, या अली अंता तस्मा मा अस्मा तरा मा रा, जो मैं सुनता हूं वो तुम सुनते हो, जो मैं देखता हूं वो तुम देखते हो। वला के लस्त बे नबी, मगर बस शर्त यह है कि तुम नबी नहीं हो। सलवात हदिया करें नबी और वाले नबी पर। जो मैं सुनता हूं वो तुम सुनते हो। अब यही तो फजाइल है मौला अली के, जो किसी को हजम नहीं होते, मगर ये खतीब का काम है, मुझ नौकर का काम है कि आहिस्ता आहिस्ता घूंट दे दे के हजम करवाया जाए। मतलब तो